अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल यू आर फिट एंड फाइन. ओके, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द एक्सरसाइजेस व्हिच वी हैव डजंट लर्न द एक्सरसाइजेस, जो हमने एक्सरसाइजेस नहीं पढ़ी थी. सो आज हम एक्सरसाइजेस भी देखेंगे और जो हमारे नेक्स्ट लेसन है या पोएम है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज एक्सरसाइज 11, मीन्स 11 नंबर लेसन, नंबर सॉन्ग, पोएम नंबर 11, नंबर सॉन्ग. ओके, सो लेट्स सी. क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव ऑलरेडी राइट, आई हैव सेंड यू इन योर ग्रुप एंड आई हैव एक्सप्लेन ऑलरेडी इन टू द वीडियोज. मैंने आपको पिछले वीडियोज में भी आपको दिखा दिए थे, वीडियोस में समझा दिए थे क्वेश्चन नंबर 1. एंड अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चलेगा. ओके, सो काउंट द थिंग्स एंड राइट द आंसर्स एज नंबर नेम्स. अब आपको क्या करना है, जो थिंग्स है, चीज़ें हैं, आपको पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, हियर. सो यू हैव टू काउंट द नंबर नेम्स. जो भी आपको थिंग दिए हुए हैं उसको काउंट करना है और फिल द ब्लैंक्स में फिलअप करना है. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन हियर द आंसर्स. सो नंबर 1, नंबर ए इज हियर डैश, हियर आर डैश आइसक्रीम कप्स. हाउ मैनी आइसक्रीम कप्स आर देयर? 1, 2 एंड 3. सो आई द आंसर इज 3, THREE. सो नेक्स्ट इज बी, आई हैव डैश डॉल्स एट होम. मेरे पास कितने डॉल्स हैं होम में, घर पे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो आंसर इज 7, SEVEN, 7. नाउ नंबर सी इज प्लीज गिव मी ओनली डैश बुक. हाउ मेनी बुक्स आर देयर? 1 बुक. सो द आंसर इज ONE. नेक्स्ट, माय अंकल हैज़ डैश हॉर्सेस इन हिज फार्म. मेरे अंकल के पास में जो फार्म है उसमें कितने हॉर्सेस हैं? 1, 2, 3. सो आंसर इज 3, THREE. ओके, दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द नंबर सॉन्ग लेसन पोएम. सॉरी, जो पोएम है आपकी नंबर सॉन्ग का, वो ये लास्ट क्वेश्चन है. ओके, नाउ वी विल लर्न द नेक्स्ट एक्सरसाइज. सो दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज, यूनिट नंबर 2, रेन. हमने रेन पोएम पढ़ी थी ना, सो उसकी ही ये फिल इन द ब्लैंक्स है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पोएम रेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको पोएम को रीड करना है और फिल इन द ब्लैंक्स को फिलअप करना है. ए, द रेन इज फॉलिंग डैश. जो रेन है वो कहाँ बरस रही थी, कहाँ पड़ रही थी? ऑल अराउंड पड़ रही थी, मतलब हर तरफ, चारों तरफ वो पड़ रही थी, बारिश आ रही थी. नेक्स्ट बी, वी सी द शिप्स एट डैश. हमें वी सी, सी मतलब देखना, हम शिप्स को कहाँ देखते हैं? शिप्स मतलब जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं तो उसे शिप्स कहते हैं. तो वो शिप्स हमें कहाँ मिलती है? छोटी मोटी नदियों में नहीं रहती है, वो बड़े बड़े समुंदर में, सी मतलब समुंदर में होती है. सो आंसर इज सी, SEA. ओके, अगेन यू हैव टू रीड विथ मी. ओके, सो रीड विथ मी अलाउड. ओके, द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड. द रेन इज फॉलिंग ऑल अराउंड. THE RAIN, rain. IS is FALLING, falling. ALL, AROUND, around. The rain is falling all around. WEB, SWC, THE, SHIPS, ships. AT, SEAC. We see the ships at sea. The rain is falling all around. We see the ships at sea. Okay, thanks for watching, dear students, video. Okay, Allah Hafiz.